फ्रेंड्स हम लोग मार्केट से आ गए थे, मार्केट से हम जैसे रास्ते में आ ही रहे थे ना, बड़ी मुश्किल में तो हमें ऑटो मिले फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोग दो दो ऑटो करके गए थे। तो फिर कृष्णा ने अम्मा और मुझे भेज दिया, उसके बाद अम्मा के पेट में दर्द शुरू हो गया, हम लोग क्लिनिक रुक गए, अम्मा को वहाँ दिखाया, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद घर आ गए। फिर अब मैं यहाँ पे आ गई थोड़ा नीचे, क्योंकि अब मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा लो सा लग रहा है, अब अम्मा की तबीयत जो है वो बेटर है, लेकिन कल उनके एक बार टेस्ट करा देते हैं ताकि सुबह हो जाएगा कि इतना दर्द पेट में क्यों उठा। बिचलते थोड़ा सा मतलब सैड सैड चीज हो गई थी, सडनली अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कल आपने देखा था, मैं उनको क्लिनिक लेके गई थी, लेकिन उसके बाद सडनली अभी सुबह से पेट में तकलीफ वैसा वो सब हो गया। कल उन लोगों का टिकट भी है, तो अभी देखना उनको भी नहीं भेजते, क्योंकि पहले और टेस्ट वो सारी चीजें करा लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए, फिर वहाँ जाके तबीयत ना खराब हो। तो फ्रेंड्स कल प्लान हो गया था कि अम्मा वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, और आज फिर से प्लान हो गया कि वो लोग जा रहे हैं। जा रहे तो सारा आज देखो कृष्णा अब तुम्हारा साथ खत्म अभी नहीं कोई भरोसा नहीं। क्या हुआ फाइनल? मम्मी कहेगी कि ठीक है, सजाते हम चले जा रहे हैं। हाँ शायद बहुत दिन भी होगा तो हम लोग फोर्स भी निकल सकते। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि अम्मा पापा मोदाहा वापिस चले गए हैं मुंबई से। मोदाहा के लिए उनके टिकट पहले ही कंफर्म हो चुके थे, लेकिन बीच में ही अम्मा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसकी वजह से उनके कई चेकअप भी कराने पड़ते हैं। सब अपने ब्लॉग में बताती हैं कि अम्मा के टिकट कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन अम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पता नहीं अम्मा अब जाएंगी या नहीं जाएंगी। लेकिन उसके बाद में उनका कहना है कि अम्मा नहीं रुकी, अम्मा मोदाहा वापस जा रही हैं। तो इस बात को लेकर लोग उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि अम्मा की इतनी तबीयत ख़राब थी कि उनके चेकअप भी कराने पड़ रहे थे और उनके पेट में इतनी तेज़ दर्द था, तो अम्मा को मुंबई में ही क्यों नहीं रोका गया। अगर इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो टिकट कैंसिल भी हो सकते थे, अम्मा को एक दो दिन और मुंबई में ही रोका जा सकता था ताकि उनका इलाज और अच्छे से हो सके। लोगों ने इस बात को लेकर ये बात भी कही है कि क्या सबा नहीं चाहती कि अम्मा यहाँ पर रुकें, क्योंकि उनके काम में भी खलल पड़ रहा है, अम्मा की बहुत ज़्यादा जो है देखभाल करनी पड़ती है, इस वजह से सबा नहीं चाहती कि अम्मा यहाँ पर रुकें। और लोगों का कहना है कि मोदाहा से मुंबई का सफ़र बहुत लंबा है, अगर बीच में अम्मा को कुछ हो जाता, अगर पेन वगैरह उनके पेट में होने लगता तो क्या होता। सबा सनी को अम्मा को मुंबई में ही ज़बरदस्ती रोकना चाहिए था और मुंबई में ही उनका बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कराना चाहिए था, क्योंकि मोदाहा एक गांव है, यहां पर मुंबई में उनका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। अब वो वहां चली गई हैं तो पता नहीं उनका ऐसा ट्रीटमेंट हो पाएगा या नहीं, उनकी कैसी तबीयत रहेगी। फ्रेंड्स एक और बात लोगों ने नोटिस की है कि जब सबा सनी अम्मा और रुखसाना आपा को मोदाहा जाने से पहले शॉपिंग कराने के लिए लेकर गए थे, तब वहाँ पर सबा सनी का ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट जो था वो रुखसाना आपा के ऊपर था। देखा गया है कि वहाँ से रुखसाना आपा ने तो कई सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन अम्मी ने एक भी चीज़ अपने लिए नहीं ली है। सबा सनी का ज़्यादातर यही कहना था कि रुखसाना बाजी ये ले लो, रुखसाना बाजी वो ले लो, और सब चीज़ें पर्स हैं कपड़े या पायले वगैरह उन्होंने रुखसाना बाजी को ही दिलाई, अम्मी ने कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं ली है। तो इस बात को भी लोगों ने नोट किया है कि आखिर इतना लाड प्यार रुखसाना आपा के ऊपर क्यों दिखाया जा रहा है। ये तो पहले से ही पता है कि रुखसाना आपा जब मुंबई आई थी तो वो किसी ना किसी वजह से, लोगों का कहना है कि रुखसाना आपा गरीब हैं और एक सर्वेंट हैं, इस वजह से लोगों की सिंपैथी उनकी तरफ ज़्यादा रहती है, इसीलिए सबा सनी अपने ब्लॉग में ज़्यादातर रुखसाना आपा को दिखाते हैं, लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं, उनकी हंसी मजाक, इसी वजह से व्यूज़ हाई रहते हैं, और जब व्यूज़ हाई रहते हैं तो पैसा भी अच्छा खासा आता है, यानी कि इनकम बहुत बढ़िया होती है, उस इनकम का रुखसाना आपा को भी दिया जाता है। एक बात तो फ्रेंड्स ये भी सोचने वाली है कि अगर हम पूरी फैमिली में बैठकर व्लॉग बनाएंगे, जैसे कि सबा का घर है तो उसमें कंटेंट में तो जितने लोग हैं वो सभी ही आएंगे, जैसे कि सबा की सास ससुर हैं या रुखसाना आपा हैं, तो ये कहना कि इनका इस्तेमाल कंटेंट के या फिर पैसों के लिए किया जाता है तो ये गलत बात है। अब बात आ जाती है फ्रेंड्स रिजा की। रिजा के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस बच्ची का भविष्य आखिर क्यों ख़राब किया जा रहा है, रिजा से इतना ढेर काम क्यों घर का कराया जा रहा है, जबकि उसकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट इस वक्त पढ़ाई पे होना चाहिए, जबकि वो एक टाइम भी पढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है, सबा उनसे फुल काम ले रही हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि रिजा को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, कुकिंग वैसी नहीं कि घर में जैसे चिकन
बिरयानी या सब्जी रोटी वगैरह बनती है, इन चीज़ों का रिज़ा को बिल्कुल शौक़ नहीं है। उसे शौक़ है चॉकलेट या फिर केक, पेस्ट्री वगैरह, ये चीज़ें बनाने का उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब चाहे रिज़ा कोई सा भी प्रोफेशन चुने या फिर वो बने शेफ़, उन सब के लिए करनी पड़ती है पढ़ाई। अभी से रिज़ा को सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। अब लोगों का कहना है कि सबा उन्हें जानबूझकर घरेलू कामों में घसीटती हैं क्योंकि उन्हें बनाना होता है अपना कंटेंट। अभी रेस्टोरेंट की जब ओपनिंग हुई थी तो उन्होंने रिज़ा से बहुत सारी चॉकलेट्स बनवाई थी लोगों को बांटने के लिए, जिसमें रिज़ा को 2 से 3 दिन लग गए थे उन चॉकलेट को बनाने के लिए। तो क्या रिज़ा को पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है जो वो 2-3 दिन में उन्होंने चॉकलेटें बनाई थी। अब जब बात शॉपिंग पर आ जाती है कि सबा रिज़ा रिहान को इतनी ढेरों शॉपिंग कराती हैं, इतने पैसों की शॉपिंग कराती हैं, तब लोगों का कहना होता है कि सबा सिर्फ 1, 2 या सिर्फ 3 हज़ार की शॉपिंग रिज़ा रिहान को कराकर कम से कम लाखों रुपए का कंटेंट बना लेती हैं। उन्हें पर व्लॉग्स पर लाखों रुपए की कमाई होती है। अगर वो 1,000 या 2,000 रुपए रिज़ा रिहान पर खर्च करके अपना कंटेंट बनाती हैं तो उसके बदले में वो लाखों रुपए भी कमा लेती हैं। लोगों का कहना है कि जब व्लॉग्स की इनकम आती है तब उसमें से कुछ हिस्सा रिज़ा को भी दिया जाता है, क्योंकि रिज़ा भी कंटेंट बनवाने में सबा की मदद करती हैं और वो व्लॉग्स में ज़्यादातर दिखाई देती हैं। अब फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि बेटी खाला ने दिल पे पत्थर रखकर इन दोनों बच्चों को यहाँ पर छोड़ रखा है क्योंकि इनकी तरबियत बहुत अच्छी तरीके से हो सके। मोदाहा एक गांव है, वहाँ पर ये लिख पढ़ इतना अच्छा नहीं सकते थे, इसलिए बेटी खाला ने इन्हें यहाँ पर छोड़ा है कि इनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से हो सके। अब जब इनके बच्चे ऐसा करेंगे, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे और बाकी कामों में ध्यान देंगे, तो सोचिए फ्रेंड्स कि इनका भविष्य आगे चलकर कैसा होने वाला है। रिज़ा रिहान को सारे काम छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और सबा को भी चाहिए कि वो घरेलू कामों में रिज़ा को ना घसीटें और रिज़ा रिहान दोनों को ही सख्ती से पढ़ाई करने के लिए कहें। ख़ास करके अम्मी और शुएब को भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इनको पढ़ाई के लिए ज़्यादातर आगे रखना चाहिए, यानी कि पढ़ाई सबसे पहले करें, बाद में दूसरे काम हैं अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। इधर रेस्टोरेंट को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं कि लोगों से सनी रिव्यू पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि खाना आपको कैसा लगा, लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं। तो इस पर लोगों का कहना है कि सनी का जो ये रिव्यू है ये फेक है, सनी पैसा देते हैं लोगों को तारीफ़ करने के लिए और पैसा देकर लोगों से तारीफ़ें करवाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेस्टोरेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, उनके जो खाना खाने आते हैं लोग वो बहुत ज़्यादा खाने की तारीफ़ करते हैं, खाना वाकई ही बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।